25 सितंबर को गुर्जर महाकुंभ के दौरान हुए हिंसक झड़प और उसके बाद की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुर्जर समाज ने 12 अक्टूबर को सामूहिक गिरफ्तारी देने की घोषणा की है। जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसपी राजेश चंदेल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिले में धारा 144 लागू है, ऐसे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री भेजने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रयास में लगे लोगों के बारे में पुलिस ने सभी लोगों से जानकारी भी चाहिए। आपको बता दें कि गुर्जर समाज के आंदोलन में शिरकत करने वाले लोगों का कहना है कि पुलिस ने संप्रदाय विशेष के लोगों को चुनकर उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने सहित रसूका लगाने जैसी कार्रवाई की है। इसके विरोध में गुर्जर समाज के साथ ही अन्य समाज के लोग भी 12 अक्टूबर को मेला ग्राउंड पर गिरफ्तारी देंगे। इस मामले में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह का कहना है कि उनके पास लगातार विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं और सभी से उन्होंने सहयोग की अपील की है। जिन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह हैं और जो हमने जो बताया कि इसमें जो भ्रम है वो यही फैला रहे हैं कि बहुत सारे लोग 600-700 लोग अरेस्ट होने वाले हैं, इस तरह की बात है, जबकि इस तरह की बात नहीं है। इसमें वीडियो फुटेज और एविडेंस देख के ही कार्रवाई हो रही है। अभी तक अपने करीबन 16 आदमी गिरफ्तार हुए हैं इसमें और 23 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और करीबन एक आदमी पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। जो उसका आपराधिक रिकॉर्ड था उसके हिसाब से उस पर एनएसए की कार्रवाई हुई है और बाकी लोग जो चिन्हित हुए हैं उन पे उनकी गिरफ्तारी करने के लिए और उनकी उन पे कार्रवाई करने के लिए जरूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी कुल मिला के 20 तो करीबन और हैं और इसके अलावा अन्य जो भी व्यक्ति इस तरह से नहीं जोड़ा जा रहा है कि किसी के नाम से जोड़ा जा रहा है, किसी समाज की वजह से जोड़ा जा रहा है। अगर कोई आपराधिक कृत्य तो उसका पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक एक स्पष्ट बात करने की बात है तो इसमें यही है कि कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर जो मिली थी उन गाड़ियों में से काफ़ी सारी गाड़ियाँ जिन्होंने लोगों ने क्लेम की, उन्होंने अपना आके एविडेंस दिया कि उनकी गाड़ी थी और किस वजह से वहाँ आए थे, तो उन पर उनको वापस भी की गई है और ये कार्रवाई भी चल रही है। इसमें कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कि जिसकी गाड़ी थी वो मुंजिमी है। जिले के साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें पुलिस के भी कई बिंदु उठे थे। उसमें संक्षेप में मैंने जानकारी देने का प्रयास किया था क्योंकि उस समय अपने जिले में एक घटना हुई थी, उस सिलसिले में एसपी साहब को वहाँ जाना जरूरी हो गया था। हम दोनों की चर्चा हुई थी कि एक ऑफिसर यहाँ रह जाए और एक ऑफिसर तत्काल वहाँ पहुँच जाए। मैं भी बाद में वहाँ गया था पर एसपी साहब को तत्काल वहाँ जाना पड़ा था इस वजह से, अन्यथा हम लोग ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों साथ ही करते हैं। और कल तो और विशेष रूप से अपेक्षित रहता है निर्वाचन की घोषणा के दिन। तो जो पुलिस के बिंदु जो कुछ और चर्चा विस्तार से अगर की जानी हो वो चर्चा आज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की ही ये इच्छा थी कि कुछ और बिंदु जिसमें विस्तार से जानकारी चाहिए होगा उसमें अलग से हम लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो वो कर लेंगे।